हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का ट्विन फ्लेम भारत चैनल पे। आज फर्स्टली मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, जिसको लेकर बहुत फेमिनाइंस बोलती हैं एंड दे रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस थिंग दैट एकदम से ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से मैसेज करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मुझे कंफर्म करके दीजिए कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं कि नहीं हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके अलावा और आपके ट्विन के अलावा कोई कंफर्म नहीं कर सकता आप लोग ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो, ओके। एंड सेकेंडली ये चीज़ है, आप कंफर्मेशन लेंगे भी तो उनकी कंफर्मेशन आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने देखा है टैरो कार्ड रीडर्स को, दे जब मैं भी स्टार्टिंग में इस जर्नी में कंफ्यूज थी तो मैंने भी इंफॉर्मेशन ली है लोगों से एंड विच लीड मी टू कंफ्यूजन। येस माई ट्विन, दिस इज़ माई ट्विन एंड दिस इज़ नॉट माई ट्विन, तो ये कोई कन्फर्म नहीं कर सकता सिवाय आपके हार्ट के। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स फ्रेंड्स, एंड जितना मेडिटेशन करोगे, जितने अपने इनर हीलिंग करोगे, उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, उतना क्लटर आपका अंदर का जो है वो क्लियर होता जाएगा। एक्सटर्नली आपका ट्विन जो है आपके मिरर का ही रिफ्लेक्शन है। सेकेंडली मैं बात करना चाहती हूँ आज कुछ चीज़ों के बारे में जो कि इस जर्नी को इफ़ेक्ट करती है और कर रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी को इफ़ेक्ट कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं और आई विल ट्राई कि मैं अब लाइव ना आऊँ, क्योंकि लाइव आके मुझे उसका कुछ इम्पैक्ट दिख नहीं रहा कि आई आंसर योर क्वेश्चंस, बट वो सेम क्वेश्चंस ही होते हैं मोस्टली, सेम ब्लेमिंग ऑन डीएम, सेम ऑब्जेशन डीएम के लिए, बट अपनी कहीं ग्रोथ नहीं, कोडिपेंडेंसी इश्यूज पे कहीं काम नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना यूज़फुल आप लोगों के लिए हो रहा है लाइव, तो आई विल स्टॉप डूइंग दैट लाइव। और कुछ चीज़ें हैं जो इस जर्नी को डिले करती हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ है जो इस जर्नी में आपको और आपके ट्विन को दोनों को ट्रिगर करती हैं और दोनों एक लूप में रहते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने ट्विन से मिले एंड यू टुक अ सजेशन फ्रॉम अ फ्रेंड और आपके फ्रेंड ने बोला नहीं, ये लड़की या लड़का सही नहीं है यार, क्या है ये, तुम किस लूप में फंस रही हो, तुम क्या कहाँ फंस रहे हो, तुम क्या मूर्खता कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ जो है दैट इज़ द कार्मिक टाइमलाइन ऑफ समवन एल्स जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है आपके फ्रेंड्स के द्वारा या फैमिली मेंबर्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा। तो जो आपके माइंड में जो एक आवाज़ है जो बोलती है कि अपने ट्विन को एनर्जी मत दो, प्लीज़ अपने ट्विन को एनर्जी मत दो, वो भी आपकी आवाज़ नहीं है, वो भी आपने किसी और से ली है। वो भी आपने, आपको कैसे पता लगा कि मुझे अपने ट्विन को एनर्जी नहीं देनी, कैसे पता लगा आपको? आपने कोई वीडियो देखी तो उनकी एनर्जी का इफ़ेक्ट आपकी टाइमलाइन पे हो रहा है, आपके और आपके ट्विन के टाइमलाइन पे हो रहा है, आपके और आपके ट्विन के यूनियन के ऊपर हो रहा है, आपके और आपके ट्विन के जो लव है उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है वो, और वो कार्मिक टाइमलाइंस है। आपका टाइमलाइन आपको खुद क्रिएट करना है और आपको सबकॉन्शियसली अपने आपको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल, आपके ट्विन का आपको टेक्स्ट आया और आप बोलो कि ओ ये तो अवेकन नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूँगी, इसको अभी थोड़ी अकल आने दो, सेपरेशन में रहेगा थोड़ी अकल आ जाएगी। तो दैट इज़ नॉट योर टाइमलाइन। ये जो आपकी आवाज़ आपको गाइड कर रही है कि अपने ट्विन के साथ सेपरेशन क्रिएट करो, वो आपको यूनियन से ही दूर नहीं लेके जाएगा। आपका यूनियन जो ट्विन के साथ है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ असेंशन है आपकी आपकी लाइफ की, और आपका यूनियन गॉड के साथ भी है।
तो जो लोगों ने आपको ये सजेशंस दी है अपने ट्विन से अलग होने की, या आपकी आवाज़ अंदर की बोल रही है, आपके दिमाग में जो आवाज़ है आपको बोल रही है कि अपने ट्विन ट्विन से सेपरेशन क्रिएट करो या उसको अकल आ जाएगी और ऐसा हो जाएगा, तो वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो किसी और का टाइमलाइन है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी चल रहा है, राइट, ट्रिगर के रूप में चल रहा है आपके अंदर। तो वो ट्रिगर भी आपका नहीं है, जो आपको और आपके ट्विन के बीच वूंड्स हैं, आप दोनों के बीच जो ट्रिगर्स हैं वो भी और किसी के हैं, आपके नहीं हैं, वो भी कार्मिक टाइमलाइंस हैं। तो अब क्या तरीका है इस कार्मिक टाइमलाइन से निकलने का, क्या तरीका है इस टाइमलाइन से निकलने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑब्जर्व करना है, अपने डेली रूटीन में अपने सबकॉन्शियस एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बोलता है आके, या आपका वॉइस इन द हेड बोलता है कि आपका आपके ट्विन ने अचानक से कुछ ऐसा किया जिसने आपको ट्रिगर किया, तो वो आपकी वॉइस इन द हेड बोल रही है, आपका जो बॉडी पे अपने कंट्रोल है वो लूज हो जाता है, आप गुस्सा हो जाते हो, आप ट्रिगर हो जाते हो, तो वो आपको कंट्रोल करना है, आपको अपनी बॉडी की एसेंशन को कंट्रोल करना है, उन ट्रिगर्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये कार्मिक टाइमलाइंस है और कार्मिक टाइमलाइंस ट्विन के बीच काम नहीं करती हैं। ये तभी कंट्रोल हो सकती है जब आप सबकॉन्शियसली आप एक्टिविटीज़ को अपनी देखो, आप अपने ट्विन के बारे में क्या सोचते हो, आप दूसरे लोगों से ट्विन के बारे में क्यों बात करते हो या क्या वजह है, और उनकी सजेशन, क्योंकि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और है भी तो भी उन लोगों की सजेशन आपके लिए काम नहीं आएगी, क्योंकि उनका टाइमलाइन और आपका टाइमलाइन अलग है, आप अलग यूनियन कोड के साथ आए हो और वो अलग यूनियन कोड के साथ आए हैं। और अगर आपके आसपास लोग हैं कार्मिक हैं जो जेलस होते हैं आपसे, आपके ट्विन से, क्योंकि जेलसी ट्विन्स के बीच बहुत इजीली हो जाती है और वही झगड़ा भी क्रिएट कर देते हैं आपके और आपके ट्विन के बीच, तो अगर आपसे कोई जेलस होता है और आउट ऑफ जेलसी आपको वो एक गलत टाइमलाइन में लेके जा रहे हैं या एक गलत टाइमलाइन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ सिन इन आइज ऑफ गॉड, क्योंकि वो आपका ट्रुथ नहीं है, वो आपके ट्विन का ट्रुथ नहीं है, आप दोनों का ट्रुथ वो है जो आप दोनों फील करते हो। तो वो आपको बोल रहे हैं कि अपने माइंड को फॉलो करो, बट इस जर्नी में आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, और हार्ट हमेशा अपने ट्विन को बिलोंग करता है और किसी को नहीं बिलोंग करता। आपको कोई सजेशन देता है या बोलता है कि छोड़ दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मूव ऑन कर, अच्छी जगह देख, शादी कर, बट द थिंग इज़ कि ये जर्नी, आप शादी भी कर लोगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, ये जर्नी पीछे वेट कर रही होती है कि आप इसको अप फ्रंट में कब लाओ। आपको लगता है कि आप अपने ट्विन से मूव ऑन हो गए हो, बट ये जर्नी हमेशा ही रहती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 15 15 साल से इस जर्नी में, जो इस जर्नी में 15 साल के बाद आए हैं, 10 साल बाद आए हैं, और एक दिन नहीं गया कि वो अपने ट्विन को नहीं भूले। तो वो इसलिए है क्योंकि आपका आपके ट्विन आपका और आपके ट्विन का एक पाथ है जो कि क्रिएट किया गया है आप दोनों के लिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर यू, आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड कि अफेमिनेंस के साथ बहुत गलत होता है, आप लोग बहुत कुछ फेस करते हो, आप बहुत पेन से निकलते हो, मैस्कुलाइन का बिहेवियर भी बहुत गलत होता है आपकी तरफ, बट बिलीव मी, कोई मैस्कुलाइन ये सब चीज़ें इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको 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 एक्चुअली पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट द कार्मिक टाइमलाइन, इसी को बोलते हैं कि दैट इज़ द रिएक्शन, वो रिएक्शन निकल के आता है कार्मिक टाइमलाइन से, कार्मिक्स का इन्फ्लुएंस से वो रिएक्शन निकल के आता है। तो आपका ट्विन अवेकन होने के बाद तो कभी भी आपको मिसट्रीटमेंट नहीं करेगा और ये सब चीज़ें नहीं करेगा आपके साथ,
एंड आपको भी अपनी कार्मिक टाइमलाइंस को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी टाइम चल रहा है वो बहुत ही हेविली पर्ज कर रहे हैं हम मैट्रिक्स को, और टेलिंग समवन और नॉट कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप काउंसलिंग ले रहे हैं किसी से तो वो अलग चीज़ है, बट कोई आपको इस जर्नी में, आपके और आपके ट्विन के अलावा ट्रुथ इस जर्नी से रिलेटेड कोई नहीं जानता, क्योंकि आपको एक डिफरेंट कोर्स दिए गए हैं। जब आपका ट्विन अवेकन होगा और आप अवेकन होंगे तभी ये जर्नी आगे बढ़ पाएगी। आप लोग पूछते हैं कि मैम हमारा ट्विन कब अवेकन होगा, देखिए वो मैं तो नहीं बता सकती बिकॉज़ आई एम नॉट गॉड। तो जितना आप गॉड को सरेंडर करोगे, जितना गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे, उतना अपने ट्विन के साथ भी बिल्ड होगा। इसलिए बोलते हैं कि मैस्कुलाइंस कम्प्लीटली अवेकन तभी होते हैं जब वो अपनी डीएफ की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, जब वो अपनी डीएफ के लिए स्टैंड लेना सीखते हैं, उनके अंदर सोसाइटी के अगेंस्ट फाइट करने की करेज आ जाती है, और जब वो एक फ्लर्टी नेचर और वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं, लाइक उनके लिए उनकी डीएफ एनफ होती है। एंड इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी एक, अवेकन कैसे होते हैं। तो कार्मिक्स के टाइमलाइन को अपनी लाइफ में मत इन्फ्लुएंस करने दो। आप लोग बोलोगे कि कार्मिक के टाइमलाइन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है मुझे, मुझे कैसे पता लगेगा? आपको पता होगा, जस्ट गॉड, सरेंडर टू गॉड, कम इन यूनियन विद गॉड। तो जो भी आपकी ट्विन से प्रॉब्लम खाता है, चाहे नहीं भी खाता हो, आपको पता भी ना हो, वो लोग जेलस भी होते हो, चाहे आपके थर्ड पर्सन को बीच में नहीं लाना है, उनका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर से हटाना है, बढ़ाना नहीं है। सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। एंड कार्मिक का अपने ऊपर से इन्फ्लुएंस ख़त्म करिए। इनफैक्ट जिनके साथ आप रहते हैं वो भी जेलस होते हैं आपके ट्विन से, चाहे आपको बोलें चाहे ना बोलें, बट वो आपके और आपके ट्विन की एनर्जी को इफेक्ट करता है। एंड बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू सो मच।